सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, क्लास 10th का साइंस की चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी मैंने 8-9 लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल पार्ट को खत्म कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करो, क्लास 10th फिजिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ लाइट के नाम से, लाइट क्लास 10th के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गाइज, आज के सेशन जो है, आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस चैप्टर के। एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनसाइडर क्वेश्चंस जो हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और लगेगा जिसमें एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे, देन हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, क्लियर है। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए या फिर क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स का, क्लास 9-10th का, आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यार, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर 10, क्लास 10th साइंस का ये है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स अपन इस वीडियो में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यार, बिल्कुल अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को खत्म करें ताकि यार अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करें। तो यार देखो, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 168 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है उसे बोल रहा है डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो यार, कॉनकेव मिरर यानी कैसा कैसा मिरर होता है, केव जैसा, गुफा जैसा। तो इस गुफा हमारा हमेशा इस तरीके का रहता है, लाइक दैट। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। तो इसके प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, तो ये सेंटर पे होता है पोल, यहाँ पे होता है पोल, ठीक है। इस पोल से पैरेलल लाइन जाने वाली को अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये जो मिरर का जो कर्वचर है, इस कर्वचर को अगर एक्सटेंड करो तो ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा। तो इसका जो रेडियस है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वचर, और इस रेडियस और पोल का सेंटर को कहते हैं फोकस, इसी को तो प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्लियर हो गया। यही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लाइट रे डेट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मिरर, अब ये कॉनकेव यानी कन्वर्जिंग मिरर है, इससे टकराने के बाद कोई भी लाइन, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे ही कॉन्सेंट्रेट करती है ना। तो इसी को इन्होंने डेफिनेशन से बना के बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ पेज नंबर 168 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बना के बताया कि अगर ये देखो कॉनकेव, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अगर इस ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट को हम कहते हैं पोल, ये हो गया पोल, है ना। अब ये जो कर्व है, इस कर्व का जो सेंटर पॉइंट है, यानी इसको अगर इस तरीके से डॉटेड लाइन से, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ, रेडियस ऑफ दैट कर्व, इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या, इन दोनों का सेंटर को कहते हैं फोकस, इन दोनों के सेंटर को कहते हैं फोकस। तो कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो खुद बताओ, ये होता है फोकल लेंथ और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकल लेंथ का डबल होता है ना, आर इज इक्वल, फोकल लेंथ का डबल ही तो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू, आर की वैल्यू दिया है 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। पेज नंबर 168 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार देखो, अगर मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो हमने देखा था कि दो टाइप का, एक रियल इमेज पढ़ा था और एक तरफ हमने वर्चुअल इमेज पढ़ा था, है ना, रियल इमेज और वर्चुअल। हमने देखा था कि रियल इमेज में हमारा जो
रियल इमेज में हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल बनेगा इमेज क्योंकि रियली में लाइन मीट करेंगी, ठीक है। और जो और क्या होता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वही हम वर्चुअल की बात करें तो यहाँ पे इमेज इरेक्ट यानी सीधा और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था, है ना, वर्चुअल यानी डॉटेड लाइन से बनता था और सीधा ही बनता था, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसे ही इमेज बनता था। अब रियल इमेज में कहा गया था कि कॉनकेव, कॉनकेव मिरर जितने भी हैं उसमें रियल इमेज बनता है, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट लास्ट जो केस है वो। वर्चुअल इमेज की बात करें तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी केस है उन सब में वर्चुअल यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑफकोर्स द कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव ये जो एक्सेप्ट वन लिखा हूं ना, यही तो है एक्सेप्ट वन। क्या कह रहा है, इरेक्ट इमेज और एनलार्ज इमेज, बहुत बड़ा। हमें पता है कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जब आप फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो, देन किस तरीके से लाइट हम रिफ्लेक्ट कराते हैं, एक तो हम इस पे डालते हैं और ये लाइट इधर से इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, या इस तरीके से भी आप कर लो, यहाँ स्ट्रेट लाइन लाओ इस तरीके से और इसको यहाँ जो वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस है एफ डैश, वहाँ पे ले जाओ और इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। और दूसरा क्या, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से वर्चुअली सेंटर ऑफ सी डैश पे अगर मिलेगा तो इसको अगर इस तरीके से एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं इमेज हमारा बनता है, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो देखो कॉनकेव लेंस में यही एक ऐसा केस है, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है, लाइक देख लो आप, है ना, इतना छोटा ऑब्जेक्ट इमेज इतना, तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए पेज नंबर 168 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर होता है वो क्यों हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है ना, कर्व। अब इसमें कोई लाइट आती है तो क्या, इसको डाइवर्जिंग लेंस, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज करता है, ये लाइट आई और ये डाइवर्ज हो गई, ये लाइट आई और ये डाइवर्ज हो गई। तो अगर देखो ना इसकी वाइड लेंथ कितनी ज़्यादा है, देख रहे हो वाइड लेंथ कितनी, मतलब कितना ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। इस एरिया में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज आराम से एक छोटी इमेज बन जाएगी, पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी। तो पीछे से ट्रक वगैरह जो आता है, कितनी बड़ी बड़ी ट्रक रहती है, कितनी बड़ी बड़ी ट्रक रहती है, अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तो ट्रक तो हमको दिख ही नहीं पाएगा, है ना, और ना ही रोड की पूरी असली विड्थ दिख पाएगी। ये मिरर हम इसे लगाते हैं ताकि एक तो रोड की विड्थ दिख जाए अच्छी तरीके से और जो ट्रक है उसकी पूरी हमें वो दिख जाए ताकि हम अंदाजा लगाकर अपनी गाड़ी को अच्छे से एडजस्ट कर पाएं, ठीक है। तो लाइक दैट वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच अलाउ द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। नाउ यार नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 171 ओपन कर लीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराया, है ना, ये क्या है, इस बार क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और इस सर्कल का सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये फोकल लेंथ को हम F से डिनोट करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को R से कहते हैं, और हमें पता है फोकल लेंथ और R के बीच के क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32, तो 32 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से, 32 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 6 to 12 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है। घबराना नहीं है क्वेश्चन पढ़ के बच्चा लोग, क्या कह रहा है ध्यान से लिखते जाओ। नाउ देखो यार इसको स्टार्टिंग करेंगे इसी तरीके से अपन कि जो चीज़ें गिवेन है उसको लिख लो। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया ऑब्जेक्ट को यू से दिखाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, इमेज का डिस्टेंस वी से हमें पता नहीं, कह रहा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट की साइड एच रख दें तो इमेज की साइज क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका थ्राइस बोल रहा है तो थ्राइस ऑफ एच, क्लियर है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है एक, कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला याद है ना,
इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे। तो देखो एच आई की वैल्यू रख देते हैं 3H, एच ओ की वैल्यू रख देते हैं एच, माइनस वी की वैल्यू हमें पता नहीं, यू की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यू क्या है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में बच्चा लोग कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है ना, और हमें पता है अगर डिस्टेंस इधर है तो हम पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव लेते हैं, और इधर की ओर डिस्टेंस लेना है तो पॉजिटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो हम यू की वैल्यू 10 नहीं बल्कि -10 लेंगे, देन यहाँ पे -10 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ भाई, यहाँ से एच कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 इधर, वी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में, यानी इमेज इधर कहीं प्लस साइड में बन रहा है। क्लियर हो गया, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम, अरे फिर से वही आ गया। ओके तो पेज नंबर 176 अब ओपन कर लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली मिस्टेक हो गया था, तो पेज नंबर 176 ओपन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कह रहा है ध्यान दो, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिक्विली इन टू वाटर, डज द लाइट रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वाई। यार तो ये चीज़ तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो, देखो यहाँ पे नीचे में देखो इधर, अगर क्या कह रहा है, अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिक्विली इन वाटर, ओके वाटर में एंट्री कर रहा है ना, तो देखो ये मैं बना रहा हूँ एक बॉक्स टाइप का बना दे रहा हूँ, समझ लो ये वाटर है, तो ये वाटर जो है ये सेकेंड मीडियम है और ये जो एयर है ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, इतना मीडियम तो क्लियर है, पढ़ा चुका हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके। तो अगर लाइट आ रही है किसी एंगल से, ये लाइट आ रही है, ये इसका हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है ना, तो स्पीड जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड चेंजेस होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, तो जिसकी वजह से लाइट की बैंडिंग देखने को हमको मिलता है, लाइट बैंड होती ही होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब उसकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, वो डिपेंड करता है उस मीडियम की प्रॉपर्टीज पे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। इट मीन्स अगर जो जिस मीडियम में लाइट जा रही है अगर वो सॉलिड हुआ, बहुत घना हुआ, उसके एटम्स बहुत ज़्यादा डेंस हुए, देन लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो लाइट एयर, एयर और वाटर के रिप्रेजेंट में एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं एयर से तो डेंसर मीडियम हो जाएगा। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, किधर, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो क्या लिखोगे, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स to an optically denser medium having high refractive index, its speed slow down and its bends toward the normal. Since water is optically denser than air, a ray of light entering from air into water will bend towards the normal. इतना लिखकर एक अच्छा सा ड्राइंग बना दोगे ना तो आराम से 2-3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो मैं थोड़ा सा हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास में जा रहा है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, ठीक है, ग्लास का स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10^8 m/s, ओके। तो देखो जब हमें पता है रिफ्रैक्टिव यानी रिलेटिव, है ना, तो जब भी किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर किसी एक बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, उसके कंपेयर में लाइक वाटर और एयर की एयर और वाटर जो मीडियम है उनके कंपेयर में उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास और एयर का क्या है, वाटर और एयर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के हेल्प से बनता है, है ना। तो यहाँ पे लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो, है ना, तो एयर से ग्लास में जा रही है तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, पूछा किसका है, ग्लास का पूछा है, तो अपन इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना,
या फिर आप लिख सकते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को अपन एन से डिनोट करते हैं, ये सेकेंड मीडियम हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इट मीन्स किसका है, वी वन अपॉन वी टू, यही फॉर्मूला हुआ ना, ठीक है। तो एन टू वन की वैल्यू दे रखी है 1.50, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है 3 × 10^8, और इधर है वी टू दैट इज ग्लास का, तो यहाँ से वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 10^8 अपॉन 1.5, इनको सॉल्व करना है ना, इनको सॉल्व करोगे तो एक जीरो और ऊपर चला जाए तो हो जाएगा 3 × 10^9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15, तो इसको कट करोगे तो 5 है ना, तो 0.2 × 10^9 कुछ करके आंसर आएगा आपका ना। तो पॉइंट को इधर लाओगे, पॉइंट को थोड़ा सा इधर लाओगे, एक पॉइंट को एक पीछे ले जाओगे, तो ये क्या होगा, अपन को 10 इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपकी आंसर, ठीक है। मैथ्स में पढ़ेगा ना क्लास 8 में, पॉइंट को इधर उधर करने से कैसे हम लोग चेंज करते हैं, वही फंडा है। अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा है यहां पे देखो, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। पूछ, ये कुछ टेबल आपके सामने दिया है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखो, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है, आइस का दिया है, वाटर का दिया है, एल्कोहल का दिया है, केरोसिन का दिया है, इतने सारे अलग अलग चीजों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से किसका ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी किसका कम है और किसका ज्यादा है, ये पूछ रहा है। तो देखो यार, पहले ऑप्टिकल डेंसिटी को समझो, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है ना बच्चा लोग, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे, है ना। तो क्या हुआ, दो मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी वो उतना ज्यादा उसकी डेंस होगा ना, वो एरिया उतना डेंस होगा, उसकी उतनी मास अपॉन वॉल्यूम होगी, वही तो हुआ आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जितनी जिसकी जितनी ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना, उस मटेरियल की। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम पूछा जाए, मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, है ना, तो किसकी हो जाएगी, जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा डायमंड का है, तो डायमंड हो जाएगा आंसर। और मिनिमम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, तो जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, डेट इज एयर का, तो ये हो जाएगा एयर, दैट्स ऑल। इसका आप वर्ड में ये देख सकते हैं, है ना, इसका वर्ड में आप आंसर देख सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो, इसको अपने एग्जाम में नोट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। देख लो, द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायमंड, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज एयर, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, अ मीडियम विच हैज हाइएस्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाइएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वॉइस वर्सा। It can be observed from a table 10.3 that diamond and air respective have the highest and lowest refractive index. Therefore, diamond has the highest optical density and air has the lowest optical density. I hope clear हो गया होगा। आगे देखते हैं, देखो इसको। Page number 176 का question number 4 क्या कह रहा है? You are given in kerosene, turpentine, है ना? Turpentine water in which of this does the light travel fastest? Use the uniform given table. अब कह रहा है कि ये कुछ यहाँ पे केरोसिन का बोल रहा है, केरोसिन कहाँ, ये रहा केरोसिन, फिर हो गया ट्रम्पटिन कहाँ है भाई, ये रहा ट्रम्पटिन का ऑयल, और वाटर, वाटर कहाँ है भाई, वाटर ये रहा। कह रहा है कि यूज द लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट ट्रेवल फास्टर किसमें, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लाइट किसमें तेजी से चल रहा है। तो देखो, जैसे हमने बताया डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी यानी वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेंस हैं, तो लाइट जब बहुत सारे लोग वहाँ भीड़ में खड़े हैं तो वहाँ से लाइट निकलने में दिक्कत होगी, या फिर आप ही मान लो आपको ट्रैवलिंग करना है और ट्रैफिक आ गया, तो ट्रैफिक आने से यानी रोड पे डेंसिंग आ गया, तो आपको आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वैसे ही लाइट की भी स्लो हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी, उसमें लाइट तेजी से जाएगी, है ना। तो तीनों में से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका कम है देख लो जरा, 1.33 इतना और इतना, तो 1.33 वाटर में, वाटर आंसर हो जाएगा, वाटर आपका, ठीक है।
क्लियर हो गया? तो वाटर में लाइट जो है सबसे तेज ट्रेवल करेगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, आप ये चीज नोट आउट कर सकते हो। चलो देखते हो, इसको देखो पेज नंबर 176 का देख लीजिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट? क्या मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही हुआ बच्चा लोग कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ 2.42 एज कंपेयर टू स्पीड इन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बोला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब डायमंड बोला तो जरूरी नहीं है सिर्फ, मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर का नहीं होता है, वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ अगर नहीं दिया है तो एयर को और डायमंड का नहीं दिया है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर समझ लिया करो, तो एयर और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को अगर सेकंड मीडियम मान लूँ, एयर को फर्स्ट मीडियम मान लूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू व्हाट, V1/V2। और V1 इज एयर स्पीड, इट मीन्स एयर की स्पीड को, एयर में लाइट की स्पीड को C से डिनोट करते हैं, दैट इज V2, है ना। तो यही मतलब हुआ ना कि दिस मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूसेस बाय फैक्टर 2.42 एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। नो अदर वर्ड्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42, ठीक है। देखो ये V2 जो है, ये V2 जो है इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C/2.42। If we considered speed will be 1, then 2.42, like that, times of speed of light in vacuum, है ना। और इस तरीके से भी लिखते हैं स्पीड ऑफ डायमंड विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एयर इंटू डायमंड, ये भी रिलेशन बनता है। तो स्पीड ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2.42। इसके हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 184 में। डिफाइन 1 diopter ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, m/s, है ना। इस तरीके से पावर का यूनिट 1 diopter इज मीन्स 1 m/m, यही ना हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। 1 diopter इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ फोकल लेंथ, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 m, है ना। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 184 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 cm फ्रॉम इट। ओके, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ये चीज बताना है, है ना। तो ये कहाँ से आ गया, ये स्टेट, इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं है, ये मिस्टेक आ गया, प्रिंट मिस्टेक, इसको कट कर लो। नाउ क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ठीक है। इमेज ऑफ अ नीडल इज एट, नीडल का जो इमेज, इमेज इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस। तो देखो यार, कुछ चीज़ें समझो क्वेश्चन में से, काफ़ी चीज़ें हैं क्वेश्चन में बता। देखो क्या 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 चीज़ें कह रहा है, पहले ये देखो, अपन अगर थोड़ा सा बैक चल के समझें कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमें यू डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता है, इमेज डिस्टेंस बोला है 50 cm, इमेज यानी वी का डिस्टेंस, वी बताया दिया है, यू हमें नहीं पता है, क्लियर हो गया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले बना लो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये मैं बनाता हूँ कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे ही रहता है ना कॉन्वेक्स लेंस, देख लो आप, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ, इसी का डबल हो जाएगा 2f। कह रहा है कि आगे कह रहा है, इफ इमेज इक्वल टू द साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है, और ऐसा एक ही केस होता है जब हमें पता है, हमने मिरर में भी पढ़ा था बच्चा लोग, तो मिरर में भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज भी सेम होती है, ठीक है। रे डायग्राम जब हम कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे एक ऐसा केस था जहाँ पे हम इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो सेम साइज का बनता है, तो कहाँ यार, 2f पे। अगर हम 2f पे, है ना, ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f पे, तो जो हमारा इमेज बनता है वो भी इधर टू एफ पे ही बनता है, है ना। तो क्या समझ में आया, अगर इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस v दिया हुआ है कि जो भी होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो तो सेम होगा,
एफ और 2f पे ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, 2f पे इमेज भी बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से दोनों डिस्टेंस तो सेम होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का, है ना। अब हमें पता है इधर साइड हम पॉजिटिव लेते हैं तो v की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगा वो इधर नेगेटिव डिस्टेंस अपन कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो इधर नेगेटिव 50 आ जाएगा, है ना। नाउ आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, तो पावर ऑफ लेंस फाइंड करने के लिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालना होगा। तो 1/v माइनस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला को यूज करें अगर अपन, है ना, तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो 1/v डेट इज 1/50 माइनस 1/-50 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से करें 1/50 माइनस माइनस प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, एलसीएम ले ले तो 50 और 1+1 हो जाएगा 2 1/f। तो यहां से उल्टा कर देंगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2, यही हो जाएगा ना। तो यहां से आ जाएगा फोकल लेंथ आपका, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गया। हमें पावर निकालना है। अब देखो पावर में जो फोकल लेंथ अपन पुट करते हैं उसकी यूनिट होती है मीटर में, और यहां फोकल लेंथ है हमारा 25 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, है ना। तो अगर मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए तो ये 100 को इधर भेजना पड़ेगा, अब 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो इतना ही आएगा ना। नाउ अब पावर इज इक्वल टू 1/0.25 पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा डेट इज 4, और भी प्लस में, तो 4 डायोप्टर पावर आ गया, 4 डायोप्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यार तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/फोकल लेंथ दिया है 2, 0.5 डायोप्टर आ गया, खत्म खेल। लेकिन क्या ये सही है? गलत है। क्यों? कॉनकेव लेंस की पावर, कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है हमेशा नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा माइनस में होता है। सो लाइक अब सही है हमारा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे करते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो प्लस होता है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है तो माइनस होता है, है ना। तो पावर जो है वो भी कॉन्वेक्स लेंस का प्लस हो जाएगा, यहाँ जो पावर है कॉनकेव लेंस का वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार, याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब गाइस आज का लेक्चर यहीं हम खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया आपको क्योंकि यार काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन को बहुत घुस घुस के मैं बताऊंगा तो यार काफ़ी लेट होगा। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज लाइट की जो भी मैंने पढ़ाया है वो पूरी सीरीज अच्छे से देखे हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपलेस्ट कहा जाए तो आपके लिए साबित होगा। बट यार क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया है तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर ख़त्म किए तो आपको सारे क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अदरवाइज हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको, है ना, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट आपको ये वीडियो कंप्लीट किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है यार, काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार कम से कम टाइम में वीडियोस को कवर करने का, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा परसों आएगा जिसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जो 15-16 क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।